रामदास के नाम पे। उसके बाद मैं अमरावती शहर में आया, एक डॉक्टर साहब के यहाँ घरेलू नौकर के रूप में काम करने लग गया। 10वीं पास किया, फिर उन्होंने मुझे एक नौकरी लगा दी एक मिल में एज ए टेक्सटाइल मजदूर, टेक्सटाइल लेबर, उस रूप में मैं काम करने लगा। 5 साल हो गए थे उस समय। मैं गुलशन नंदा जी के बहुत उपन्यास पढ़ता था। गुलशन नंदा जी एक बहुत बड़े जाने माने उपन्यासकार थे, और जब मैं काम कर रहा था तभी मैंने सोचा था कि मैंने भी गुलशन नंदा जी बनना चाहिए। और फिर मैं 5 वर्ष में जब मिल में काम किया तो मिल बंद हो गया, और उसके बाद फिर मैं अपने गाँव चला गया। गाँव जाकर लोग कहने लगे कुछ नहीं कर सकता ये बच्चे, गाँव से शहर जाते, ये शहर से गाँव वापस आ गया। तब मैंने पिताजी से 40 रुपये लिए और मैंने कहा देखता हूँ मैं नौकरी लग गई हो। फिर वहाँ से सीधा मैं भोपाल आया। भोपाल में मैंने एक भवन पर मजदूरी की, 3 महीने काम किया, 90 रुपये लिए, और फिर मैं दिल्ली आया। दिल्ली के बिरला मंदिर के धर्मशाला में ठहरा। उसके बाद फिर मैं काम ढूंढ रहा था, दिल्ली में काम कहीं मिल नहीं रहा था। फिर मैंने इसी रोड पर ITO के पास, दिल्ली में ये विष्णु दिगंबर मार्ग कहलाता है इसे, इसी रोड पर ढाबे, उन ढाबों पर मैं काम करता रहा। 1 वर्ष काम किया, लेकिन वो काम मुझे इसलिए पसंद नहीं आ रहा था कि मुझे पढ़ने के लिए समय नहीं मिल रहा था। जहाँ मैं 35 रुपये महीने से काम कर रहा था, वो लाला मुझे हर 10-15 रुपये हर महीने बढ़ा देता था, छोड़ता नहीं था। मैंने कहा लाला जी मुझे छोड़ दो। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने, फिर मैं खुदी होके राव तुलाराम मार्ग पालम की तरफ चला गया। एक जो मिट्टी कैंप बन रहा था वहाँ पर काम करने लग गया एज ए लेबर। लेकिन मेरी चिट्ठियाँ लाला जी के पास ही आती थी, मुझे फिर लाला जी के पास ही आना पड़ता था। तो वो कहने लगा तू ईमानदार लड़का, तू हमारे पास रह ले, नहीं रह सकता तो तू ऐसा कर पेड़ के नीचे पान बीड़ी बेचने में तेरे को पैसे देता हूँ। मेरे पास थोड़े बहुत पैसे थे, मैंने पान बीड़ी सिगरेट बेचना चालू किया, पढ़ता था। अचानक लाला जी की मौत हो गई, मैंने सेवा की, मिली उनका श्रेय है, उनका आशीर्वाद है। पान बीड़ी बेचता रहा, फिर मैंने एक रामदास और उपन्यास लिखा, एक उपन्यास और लिखा नई दुनिया की नई कहानी। इन 2 उपन्यास को लेकर मैं दरियागंज गया पब्लिशरों के पास। मैंने कहा सर ये मैंने लिखा है, अगर आप चाह सकते हैं, किसी ने का पैसा लगता है, किसी ने का पेपर लगता है, लिखने का गेट आउट फ्रॉम हियर, यू डोंट नो व्हाट इज द पब्लिकेशन। तो मुझे लगा कि ये आदमी ने तो उस दिन हमें कहा और मुझे बुरा भी लग गया, लेकिन आज मैं उस व्यक्ति को प्रणाम करता हूँ। उसकी वजह से आज मेरी 12 पुस्तकें छपी हुई हैं। मैंने अपने पसों से अपनी पुस्तकें प्रकाशित की और एक एक पुस्तक प्रकाशित की, ये बिकती है। मैंने अपने साइकिल पर 500 स्कूलों की किताबें बिकी, साइकिल से जाता था यहाँ से रोहिणी, पीतमपुरा, तिलक नगर, द्वारका, और यहाँ आकर अपना काम करता था। इसी तरह से जब 79 में पहली पुस्तक छपी तो मेरे जीवन के बारे में लोगों ने कहा कि ये पान वाला, उसका टाइम आया सीलिंग तक पान पीने के लिए, तो कहा कि ये पान वाला किताबें लिखता है। तो उसी समय टाइम्स ऑफ इंडिया की स्पेशल करस्पॉन्डेंट उषा राय जी मेरे पास आए, सी स्क्वेयर आर्टिकल अबाउट माई लाइफ इन द टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिश। तो उसके बाद पत्रकार आने लग गए मेरे पास, और सबसे पहला प्रश्न उनका यही था कि व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन। तब मैं 10वीं पास था, मुझे लगा कि मैंने अपना क्वालिफिकेशन बढ़ाना चाहिए। फिर मैं पत्राचार विद्यालय गया, वहाँ मैंने 11वीं 12वीं किया। उस समय मेरी उम्र 40 वर्ष की थी। उसके बाद मैंने उम्र के 50 साल में BA किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और अभी मेरी उम्र 62 साल की है। पिछले महीने में 18 जून को मैंने MA फाइनल के पेपर्स दिए। Awesome. तो ये मेरा एजुकेशन रहा है, धन्यवाद। मेरे 2 बेटे, एक CA कर रहा है, एक MBA कर रहा है, और हम निर्माण विहार के पास शकरपुर में किराए के मकान में रहते थे। ये मेरी पुस्तकें हैं, मैंने 24 पुस्तकें लिखी है, एक एक करके छपी है। इसमें 27 मई 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी से मेरा मिलने का सुअवसर प्राप्त हुआ, और मैंने कहा उनको कि मैं आपके जीवन पर एक पुस्तक लिखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, हम लोग क्या करते वो लिखिए, हम प्रधानमंत्री है, हमारा कार्यकाल लोगों को पता नहीं हम लोग क्या करते हैं। तब मैंने उनके कार्यकाल पर 69 to 72, ये जो उनका कार्यकाल था, इस पर मैंने पुस्तक लिखी। लेखक 2 प्रकार के होते हैं, एक वो लेखक जिसको दुख है, जिसके दर्द दिल में दुख है, दूसरा लेखक वो जिसने कमर्शियल डिग्री ली है। कमर्शियल डिग्री लेने वाला कहता है कि मैंने पुस्तकें कैसी लिखनी है, कैसी छापनी है, कैसी पढ़ानी है, फोटो कैसा छापना है, लड़की का छापना है क्या, उसको कितने कपड़े पहनाने हैं, वो कमर्शियल डिग्री वाला करता है। लेकिन जिसको दर्द है उसका कोई स्थान नहीं होता, वो मेरे जैसा पटरी पर बैठा है, जैसे हमारे गालिब साहब, जैसे हमारे मुंशी प्रेमचंद, करचंद्र चट्टोपाध्याय, इसी तरह से यार इन्हीं लोगों के पद चरणों पर मैंने अपना जीवन शुरू किया, और आज मैंने 24 पुस्तकें लिखी। अभी मैंने पीछे जो MA के एग्ज़ाम दिए हैं, और वो जो मैंने अध्ययन किया है,
अपने पाठ्यक्रम का हिंदी लिटरेचर का, तो उस पर भी मैंने एक पुस्तक तैयार की है, तो वो 640 पृष्ठ की पुस्तक होगी और उसका नाम भी रखा है मैंने मानविकी हिंदी साहित्य, फंडामेंटल हिंदी लिटरेचर। तो इस तरह से मेरा ये काम चल रहा है। दूसरी पुस्तक ये परंपरा से जुड़ी भारतीय राजनीति है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का धरातल, कांग्रेस का अस्तित्व और डॉलर सस्ते कैसे हो। लोग कहते डॉलर महंगे होने चाहिए, हम कहते डॉलर सस्ते कैसे हो, क्योंकि हमारे देश में प्रगति हो।